करौली से खबर है, चंबल नदी का रौद्र रूप से टूटा 3 दशक का रिकॉर्ड। चंबल नदी में उफान बरकरार है, जलस्तर 170 मीटर पहुंचा है। आज सुबह 4 बजे 23 अगस्त के 96 का जल स्तर क्रॉस किया और अब 23 अगस्त को अब तक का उच्चतम जल स्तर रहा था 169.960 मीटर और खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर चंबल नदी बह रही है। सिंचाई विभाग अधिशासी अभियंता सुशील गुप्ता ने इसके बारे में जानकारी दी है। तो लगातार हर जगह पर इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं कि जहां जल स्तर जो है अपने रिकॉर्ड से ऊपर जा रहा है, चाहे वो सालों पुराना रिकॉर्ड हो उसको भी तोड़ रहा है। और इसी तरह से 3 दशक का रिकॉर्ड करौली में टूटता हुआ जल स्तर 170 मीटर पर पहुंचा है। 23 अगस्त को अब तक का उच्चतम जल स्तर रहा था यानी कि 169.60 मीटर, लेकिन अब वो भी खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर पहुंचा है। सिंचाई विभाग अधिशासी अभियंता सुशील गुप्ता ने इसकी जानकारी दी और मनोज जैन सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ताजा हालात जो है वो चंबल ने अपना 3 दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है जी। बिल्कुल तारीख की भी बिल्कुल ऐसी समानता संयोग माने इस चीज को, 23 अगस्त 1996 को चंबल का उच्चतम जल स्तर जो पहुंचा था वो 169.960 मीटर पहुंचा था। बीती रात यह जल स्तर 170 मीटर पर पहुंच गया है, जिसको कह सकते हैं कि चंबल का अब तक का उच्चतम जल स्तर पर चंबल पहुंची है। और इस चंबल का रौद्र रूप जो है वो क्षेत्र मंडरायल करणपुर क्षेत्र में ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। एक दर्जन गांव करीब पानी में डूब गए हैं एक तरह से। इसके अलावा 4-5 दर्जन गाँव है उनका सड़क संपर्क कट गया है, लोगों की आवाजाही वहां पूरी तरह कट गई है। खास समस्या जो कल से अब आने लगी है वो ये आने लगी है कि करीब 5-6 दर्जन गांवों की जो बिजली आपूर्ति ठप पड़ी हुई है, बिजली लाइन पानी में डूबी हुई है जगह जगह, इसलिए बिजली आपूर्ति बंद है। इस कारण से अब गांवों में पेयजल का संकट पैदा हो गया है, नलकू बोरिंग आदि सभी बंद पड़ी है। इसके अलावा जो आटा चक्की है, ग्रामीण अपनी व्यवस्था करते हैं गेहूं पीसकर अपना कम से कम खाने पानी की व्यवस्था कर लें, लेकिन आटा चक्की बंद होने से बिजली बिना अब उनके सामने राशन पानी की समस्या ही पैदा हो गई है। जहां तक बात करें प्रशासन की ओर से जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनकी भोजन व्यवस्था भी कराई जा रही है, लेकिन वह समुचित नहीं हो पा रही। लेकिन जहां गांवों में लोग घिरे हुए हैं या सड़क संपर्क टूट गया है और लोगों के सामने इस तरह की परेशानी हो रही है, वहां किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंच पा रही, यह सबसे बड़ी समस्या ग्रामीणों के सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी के लिए।